एस्ट्रोलॉजर मेहताजिका नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के बारे में। शनि ग्रह 3 साल बाद खुद अपनी ही राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 11 मई 2020 को मीन राशि वाले माने तो आप लोगों के जीवन में चल रही बाधाओं से मुक्ति मिलने वाली है। जी हाँ, 11 मई 2020 को मीन राशि वालों शनि ग्रह खुद मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। शनि वक्री चाल से 142 दिनों तक आपकी राशि से 11वें भाव में चक्कर लगाते रहेंगे। जी हाँ, शनि ग्रह अपनी चाल को बदलने वाले हैं। साथ में आज आपको ऐसी जानकारी से भी अवगत कराने वाला हूँ जिसे जानकर आप अति प्रसन्न होंगे। हम जानते हैं पिछले कई सालों से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, शनि ग्रह की कुदृष्टि से इंसान परेशान रहता है, लेकिन वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते क्योंकि वह न्यायप्रिय देवता है। हाल ही के दिनों में कार्यों में परेशानी, विवाहित जीवन में तकरार, लॉकडाउन के चलते 4 दीवारियों में कैद रहना, नौकरी में तनाव, नए कार्यों में नुकसान, स्वास्थ्य को लेकर चिंता, धन को लेकर मानसिक परेशानी, मेहनत का फल न मिलना, प्रेम जीवन में बाधा, नए कार्यों में नुकसान, धन प्राप्त होने के बावजूद भी अधिक खर्च होना, इन सारी दिक्कतों के साथ आप जूझ रहे हैं। तो बस इन सारी समस्याओं का अब जल्द ही समाधान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 11 मई 2020 को सुबह 9:40 पर शनिदेव मकर राशि में वक्री अवस्था में गोचर करने जा रहे हैं। यह अवस्था आपके लिए आशा का किरण लेकर आई है, जिस वजह से मीन राशि वालों के जीवन में शनि की उल्टी चाल के कारण बहुत सी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसमें से मुख्यतः खुशखबरी आपको बताने जा रहा हूँ। साथ में आपको 2 सावधानियों से भी अवगत कराने वाला हूँ जिसे जानना आपके लिए आवश्यक होगा। मीन राशि वालों, शनि का गोचर आपके लिए कई सुवर्ण अवसर लेकर आया है। इसके चलते व्यापार में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और लाभ की स्थिति भी बनी रहेगी। दोस्तों, निश्चित ही सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले जातकों के लिए जीवन में शुभ चीज़ें घटित होने वाली है। इस समय आप मानसिक तथा बौद्धिक दोनों रूप से सुदृढ़ होंगे। आप कोई भी फैसला लेने के लिए सक्षम होंगे। आप भविष्य की योजना बना पाने में भी सक्षम होंगे, जिसके चलते निश्चित तौर पर आपके व्यापार व्यवसाय से अधिक धन कमा सकेंगे। मीन राशि वालों, शनि 12वें और 11th भाव का स्वामी होकर आपके लाभ भाव में विराजमान है, जिसके चलते निश्चित ही शनिदेव आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। खासकर जो रोजी रोजगार को लेकर चिंतित थे, व्यापार व्यवसाय को लेकर चिंतित थे, उन्हें फिर से अपने व्यापार व्यवसाय में जुड़ने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय में प्रगति होती नजर आएगी। आपके कार्य क्षेत्र में किए गए प्रयास सफल होने से मानसिक विजय प्राप्त होने का भी एहसास होगा, जो आपके जीवन में सुखों की वृद्धि कराने वाला है, निश्चित तौर पर साबित भी होने वाला है। लेकिन जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी कष्टकारक साबित हो सकता है। यदि आपकी राशि से गिनती की जाए तो 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। 11वां भाव यानी कि लाभ भवन, आय भवन, इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। इसके कारण पिछले दिनों नौकरी को लेकर जो परेशानी चल रही थी, वह परेशानी खत्म होने से आपकी आय में वृद्धि होगी। सैलरी में भी वृद्धि होने के जबरदस्त योग बन रहे हैं। हालांकि इस समय में आपको मेहनत भी अधिक करनी पड़ेगी और धन प्राप्ति के प्रयास पहले से ज्यादा करने पड़ेंगे। यह समय में नौकरी के साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उनके लिए काफी शुभ माना जाएगा। इस समय में यदि आप धन प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर आय के कई स्रोत ढूंढ पाएंगे और धन प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे, क्योंकि यह समय ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से आपके लिए काफी शुभ माना जाता है। हालांकि यह समय में आप स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं तो इससे बेहतर है साझेदारी से व्यवसाय करना। भागीदारी में किया गया व्यापार सफल हो सकता है। यदि आप विद्यार्थी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए कुछ खास नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताऊंगा कि शिक्षा के परिणाम आपके लिए अनुकूल जरूर रहेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्ति का सपना पूर्ण होता नजर आएगा। उच्च शिक्षा हेतु लोन के आवेदन भी मंजूर होंगे। शनिदेव को दंड देने वाले देव मानना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि शनिदेव केवल संतुलन का काम करते हैं। दोस्तों, जब शनिदेव की कृपा होती है तब राजा भी रंग बन जाता है और वह मालामाल भी कर देते हैं। शनि ग्रह की वक्री चाल के चलते पिता के साथ आपके संबंध जरूर बिगड़ेंगे और इस दौरान मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए कार्यक्षेत्र व्यवसाय में वाद विवाद से आपको बचना होगा। शनि ग्रह की स्थिति आपके विवाहित जीवन में भी बड़ा उलटफेर करने वाली है, लेकिन विवाह योग्य युवक युवतियों को विवाह के प्रस्ताव अवश्य प्राप्त होंगे।
प्रेम जीवन में आपको मुश्किल परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। निश्चित ही यह समय आपकी परीक्षा लेकर ही रहेगा। हालांकि कामकाज में मित्र का सहयोग मिलेगा, जमीन से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। संभल कर रहना होगा, खासकर कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते। इस समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, जिससे शनि की कुदृष्टि का प्रभाव कम होगा और हमारे जीवन में अच्छी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गिरनारी।